इंदौर में आया रोहित शर्मा का तूफान, 1100 दिन बाद लगाया रोहित शर्मा ने करियर का 30वां ओडीआई शतक। नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं क्रिकेट डायरेक्टर। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर का 30वां ओडीआई शतक लगा दिया है। जी हाँ, उन्होंने 85 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली। हालांकि हम सब जानते हैं कि जब रोहित शर्मा शतक बना लेते हैं तो हर कोई उनसे दोहरा शतक एक्सपेक्ट करता है और एक बड़ी पारी एक्सपेक्ट करता है, लेकिन रोहित शर्मा ने आखिरकार पिछले 3 साल से चल रहे शतकों के सूखे को ख़त्म कर दिया। उन्होंने 83 गेंदों में अपने करियर का ये 30वां ओडीआई शतक लगाया। हालांकि रोहित शर्मा की इस सीरीज़ की बात करें तो वो इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए थे और श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने अच्छे रन्स किए थे और लगभग 3 साल बाद रोहित शर्मा का ये शतक आया है। इस शतक से पहले आखिरी बार रोहित शर्मा ने जब अपना 29वां शतक लगाया था तो वो साल 2020 में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब ये 1100 दिन बाद रोहित शर्मा का शतक आया है। सभी ने रोहित शर्मा की इस पारी को इस्तकबाल किया। हालांकि रोहित शर्मा उस पारी को और बड़ा कर सकते थे, लेकिन इस पारी के मायने कई ज़्यादा हैं। अब आप अगर देखें टॉप ओडीआई में 100 लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, तो उसमें टॉप 3 भारतीय बल्लेबाज ही हैं। नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर हैं, नंबर 2 पर विराट कोहली और नंबर 3 पर अब रोहित शर्मा आ गए हैं। अब रोहित शर्मा इस सीरीज़ के बाद आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ ही खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस सीरीज़ में रोहित शर्मा का ये शतक आना बनता था क्योंकि काफ़ी लंबे समय से रोहित रन तो बना रहे थे लेकिन उनका शतक नहीं आ रहा था। लेकिन अब यह शतक आ गया है। अब उन्होंने अपने आलोचकों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि भाई मैं अभी भी जिंदा हूं और शतक लगा सकता हूं। तो आपको रोहित शर्मा का ये कैसा शतक लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़कर जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।